हेलो एवरीबॉडी, हेलो कल्पना जी, हेलो समीक्षा, हेलो दिव्या जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। हेलो लक्ष्मी जी, हेलो रितु मैम, हेलो नेहा, हेलो प्रेमा जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो आज इंडिपेंडेंस डे है, सो मैंने सोचा कि कुछ उसी से रिलेटेड क्राफ्ट करेंगे। सो आपने देखा होगा एक सुंदर हम पेंट स्टैंड, या फिर आप अलग अलग पर्पज से भी उसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डेकोरेटिव एक पॉट हम सीखेंगे। हेलो शालिनी जी, हेलो एवरीबडी, जो भी अभी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं बाकी ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, ताकि वो भी ये हमारा सुंदर सेशन अटेंड कर सकेंगे। हेलो सीमा जी, हेलो वाणी जी, हेलो एवरीबडी। सॉरी अगर पर्सनली सब की अगर मैं नाम नहीं भी ले पाऊँ, फिर भी थैंक यू सो मच, आप काफ़ी इंटरेस्ट से साथ देते हैं, हमेशा ही साथ रहते हैं। सो बिकॉज काफ़ी फास्ट नेम्स आगे जा रहे हैं, सो मैं देख नहीं पा रही हूँ, थैंक यू सो मच। सो अभी स्टार्ट कर देते हैं एक सुंदर सा क्राफ्ट, एंड बाय द टाइम मैं आपको अलग अलग आइडियाज़ भी दूंगी उसका, कैसे आप अलग अलग स्टाइल से यूज़ कर सकते हो या फिर अलग अलग स्टाइल से उसे बना सकते हो। हेलो नीलम जी, तो हमें चाहिए ट्राई कलर पेपर्स, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे के एक मिनट, यस आज इंडिपेंडेंस डे है, सो उसी से रिलेटेड कुछ हम क्राफ्ट करेंगे ये सोच के मैं आज मॉर्निंग में ही ये सेशन, लाइव सेशन ले रही हूँ, कि दिन भर में आप भी बहुत ये क्राफ्ट एंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं, राइट। एंड काफ़ी दिन हो गए हमने कुछ क्राफ्ट किया भी नहीं था, कंटिन्यूएशन में हमारे जो है पेंटिंग सेशन चल रहे थे, सो सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट कुछ किया जाए। सबसे पहले मेरे पास ये प्लास्टिक का पॉट है, ठीक है, गमला जिसे बोलते हैं ना, काफ़ी लोगों के पास रहता है, या फिर इसके जगह पे, ये अगर आपके पास नहीं है प्लास्टिक की कोई भी बोतल है तो उसे कट करके आप यूज़ कर सकते हो, या इस टाइप का कोई ग्लास है तो उसे यूज़ कर सकते हो, कोई भी, जैसे स्टील ग्लास भी है एंड मतलब अभी यूज़ में नहीं है तो वो यूज़ करिए। फेविकॉल की खाली बॉटल्स है, ठीक है, तो उसे कट करके यूज़ कर सकते हो। फेविक्रिल की इस स्टाइल से बॉटल्स रहती है, ठीक है, तो उसे भी कट करके आप यूज़ कर सकते हो। एनी टाइप ऑफ ये आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम इसमें कलर देंगे, वाइट कलर, ओके। सो मैंने एक्रेलिक कलर लेना है, ब्रश से भी दे सकते हैं या फिर स्पॉन्ज से डैबिंग भी कर सकते हैं। स्पॉन्ज से करेंगे तो ज़्यादा बेटर इफेक्ट आएगा, बिकॉज कभी कभी हम ब्रश से करते हैं काम एंड प्रॉपरली वो होता नहीं है, तो उसके स्ट्रोक्स आते हैं, राइट।
अनफाइन दिखता है। सो बेटर वही रहेगा कि अगर आप स्पॉन्ज से डैबिंग करोगे तो एक जैसे ये भी आएगा एंड एक स्पॉन्ज का टेक्सचर आता है, वो सुंदर भी दिखता है। हेलो शकुंतला जी, हेलो पूर्णिमा जी, हाय कृष्णा सी, मैंने एक्रेलिक वाइट लिया है एंड जस्ट डैबिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो एक सुंदर टेक्सचर भी आ जाता है डैबिंग से। अच्छे से करना है कि कहीं ना भी हमारा जो ब्राउन कलर है अनफिनिश नहीं दिखना चाहिए, है ना। बीच बीच में अगर ब्राउन कलर दिखेगा तो एक अनफिनिश लुक देगा। अभी आप देखोगे तो एक सुंदर फाइन लेयर आ रही है वाइट कलर की। एंड एक्रेलिक कलर हम इसलिए यूज़ करें, ड्यूरेबल रहता है, थोड़ा शाइन भी रहता है इसमें एंड जल्दी सूख भी जाता है ना। चॉक पेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास एक्रेलिक पेंट्स नहीं है चॉक पेंट्स यूज़ कर सकते हो। अगर किसी के पास दोनों भी नहीं है पोस्टर कलर से भी काम कर सकते हो, बट पोस्टर कलर वाटर बेस्ड नहीं रहते हैं। सॉरी, पानी का हाथ लगेगा तो फिर वो निकल जाएंगे, है ना, वाटरप्रूफ नहीं रहेंगे। ये देखिए एंड जस्ट ये जो गैप्स हैं, ठीक है, ये साइड से दिखता है, सो मैंने यहाँ पे वाइट कलर ऐड कर दिया। वैसे तो सामने से ये डेप्थ है तो सामने से अगर आप देखोगे तो नहीं दिखता है, बट हम अगर उल्टा करके उसे देख रहे हैं तो वो अनफिनिश दिखेगा। सो हम अपने तरफ से फाइन काम करेंगे। अगेन उसे जहाँ पे ब्रशिंग किया है स्ट्रोक्स प्रॉपर नहीं है, एक जैसे हो गया। बाद में हम नीचे में भी कलर कर सकते हैं, अंदर भी यहाँ पे हमें कलर करना है। अभी ये सूखने तक हम आगे का काम कर लेते हैं, ठीक है। अंदर से भी एक्चुअली कलर करना है बट एक साथ में हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मैं एक ये हैंड एक लेयर जो है वो लगा देती हूँ। बट आप देखो स्ट्रोक्स अगर पॉट के देख रहे हो आप, अनफिनिश आते हैं ब्रश के स्ट्रोक्स, प्लास्टिक पे तो आते ही हैं। एंड जैसे कोई डार्क कलर का करते हो तो कवर हो जाता है, बट जैसे लाइट ये वाइट कलर कर रहे हैं या फिर हम येलो कर रहे हैं ऑरेंज कर रहे हैं तो उसके स्ट्रोक्स तो दिखते ही है। सो मैं हमेशा के लिए आपको ये बताऊंगी कि एक मिनट, यस यू कैन, सजेस्ट करूंगी मैं कि हम जब भी लाइट कलर करेंगे तो स्पॉन्ज से डैबिंग करना या फिर बेस कलर दे देना एंड उसके ऊपर कलरिंग करना, ठीक है, अदरवाइज ये ऐसे स्ट्रोक्स आ जाते हैं। ठीक है, मुझे जितना काम करना है मैंने उतना ज़्यादा उसे ये नहीं किया है कलर, जितना हमें ज़रूरी है पहले उतना करके रख दिया है।
हेलो रूपाली जी, एक मिनट, अभी हम कटिंग करेंगे कलर्ड पेपर। मेरे पास यहाँ पे सारे ट्राई कलर्स पेपर है। हमें फेदर्स कट करना है, ठीक है, पिकॉक बनाना है। फर्स्ट हम करेंगे ग्रीन कलर। मैंने मैंने जस्ट फोल्ड किया। जितने आपको लंबे फेदर्स चाहिए उतना आपको लंबा कट करना है, ठीक है। स्ट्रिप कट कर रही हूँ मैं, ऐसे कि कुछ पर्टिकुलर साइज नहीं है, आप अपने चॉइस से ये ले सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अभी हमारा जो मंडाला एंड वारली बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए सेम लाइव सेशन के साथ में जो लिंक है वो सेंड किया है। जो भी वो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली बताती हूँ कि आप कोई मुझसे ये नंबर पे बात किए बगैर 9325405245, एक मिनट मैं शो कर देती हूँ मेरा नंबर, किसी को भी पेमेंट नहीं करेंगे। 9325405245, ठीक है, किसी को भी आपको पेमेंट नहीं करना है। एंड कभी भी आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले मुझसे आप फ़ोन पे बात करेंगे, ओके। एंड जो भी ग्रुप रहता है वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है कि आप वहाँ पे आओ और अलग अलग इसके प्रमोशंस करो। वो हमारे जो स्टूडेंट है इंटरेस्टेड है वर्कशॉप करने के लिए, वो मेंबर्स के लिए रहता है कि ताकि एक ही ग्रुप में उनको सारे जो है इंफॉर्मेशंस मिल जाए। आप अगर एंटर करके वहाँ पे कुछ प्रमोशन एक्टिविटीज़ करते हो या फिर अपने कुछ डिटेल्स देते हो एंड उसे कोई फॉलो करता है तो वेदांत क्रिएशंस रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। एंड अगर ये आप कर रहे हो एंड हमारे अगर नोटिस में आता है तो मैं पेज पे सारे डिटेल्स अपलोड कर लूँगी। मे बी शायद मैं थोड़ा सा रूडली बात करी होंगी, लेकिन हम लास्ट वीक से ये सफ़र कर रहे हैं एंड दैट्स वाई मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको, आप भी आर्टिस्ट हो तो आपको अगर आपका वर्क शो करना है तो आपको आपका पेज क्रिएट करना है, आपका ग्रुप क्रिएट करिए, आपके लाइव सेशंस लीजिए। मैं भी उसमें एंटर करूँगी, मैं भी इंजॉय करूँगी, बट प्लीज़ किसी दूसरे के इसमें अगर आप करोगे एंड कुछ गलत हो जाता है तो सब सफ़र करेंगे, ओके। एक दूसरे को इसी टाइप से हमें हेल्प करना है कि जितना हो सके उतना प्रॉपर वे से चलेंगे, ओके। चलो, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, बट ज़रूरी था। हमने कुछ स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं, ओके। अभी इसके फेदर्स कट करना है, तो जो छोटे बच्चे या किड्स कोई भी ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेती हूँ, बाकी जो बड़े हैं वो तो अपने आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ओके। ये मैंने ले लिया एंड जस्ट कट इट, ओके। सी, सेम शेप के ग्रीन भी चाहिए मुझे, वाइट भी चाहिए, ठीक है। एंड अभी अभी इंडिपेंडेंस डे के लिए हम स्पेशली ये क्राफ्ट सीख रहे हैं, दैट्स वाई मैं ये ट्राई कलर्स यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर ऐसे ही बनाना है कभी, ठीक है, तो एक सुंदर गिफ्ट आइडिया है ये। फ्रेंड्स के लिए बनाना है या घर में रखने के लिए, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। फोम शीट्स आते हैं ग्लिटर फोम शीट्स, वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ग्लिटर पेपर्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। ग्लिटर शीट में भी बहुत सुंदर इफेक्ट आता है। अगर किसी के पास ग्लिटर शीट्स है तो कलरफुल ग्लिटर शीट्स है, ज़रूर बना के देखना। वैसे ही अभी हमें चाहिए वाइट कलर, तो इसमें भी मैंने फोल्ड कर लिया, ओके। स्ट्रिप कट कर ली, ओके। देन इसे हमें प्रॉपरली कट कर लेना है,
तो ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन के हमारे पास दो दो जो है लीव शेप्स बन गए। अभी इसे फेदर का इफेक्ट देना है, सो मैंने इसे मिडल से फोल्ड कर दिया। तो तीन चार आप एक साथ में भी कट कर सकते हो या इंडिविजुअल भी कर सकते हो, ओके। एंड जस्ट आपको स्लांटिंग में कट्स देने हैं, सी। नाउ ओपन इट, दिख रहा एक्चुअल कैसे किया, देन सी ये हो गया। वैसे ही और तीन है हमारे पास, उसे भी कट कर लेंगे। अगेन उसे मिडल से फोल्ड करना है प्रॉपरली, शार्पली, लाइक दिस। नाउ कट इट, मैंने पहले ये कॉर्नर प्रॉपर कर लिया कट, एंड अगर एक साथ दो दो तीन तीन आपके प्रॉपरली नहीं हो रहा है सो आप एक एक भी कर सकते हो कट। ओके, ओपन होने के बाद में लाइक दिस। ओके, ये तो हमारे फेदर्स बन गए। अभी हम ब्लू कलर से बनाएंगे पीकॉक। तो पीकॉक शेप तो डायरेक्ट कट करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, राइट। सो पहले ड्रॉ कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से ये कर लेती हूँ ड्रॉ। जो भी देख रहे हैं आप, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक एंड कमेंट करते रहिएगा, तो मुझे भी समझ में आएगा कि सच में आप सेशन एंजॉय कर रहे हो। ओके, आईज बना दिया। ओके, देन सी यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टाइल से भी आप बना सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मैं जैसे बना रही हूँ वैसे, आपको कुछ और शेप पसंद आता है। विंग्स बना लिया मैंने एंड जस्ट एक साइड में, ओके सी। अभी हम इसे कट कर लेंगे। देखो कभी भी मैं बताती हूँ कि एकदम से कट नहीं करना है, मुश्किल रहता है, ठीक है। तो जो किड्स देख रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, जो भी आपका शेप है उसे पहले रफ कटिंग कर लीजिए, देखो मैंने कैसे किया है, एंड देन फाइन कटिंग। तो आपको सीजर जो है टर्न करने में इजी रहेगा। ओके, देन सी
कमेंट्स। एक्चुअली मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ, जैसे ही मेरा वर्क ख़त्म होगा मैं ज़रूर आपको आंसर कर दूँगी। अभी ब्लू में भी थोड़ा सा उसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं, मेरे पास जो ऑरेंज अभी ये है उसके थोड़े से ड्रॉप शेप कट करूँगी। एंड हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके थोड़ा सा फेविकॉल लेना है, जस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और थोड़ा सा मैं ग्रीन के भी ग्रीन है मेरा बहुत, देखो मैंने बहुत छोटा लिया है एंड जस्ट छोटे से सर्कल कट करूँगी जो कि मुझे इसमें चिपकाने हैं। ओके आपके पास ग्रीन कलर के अगर स्टोन्स हैं आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, या पंचिंग मशीन से अगर आप सर्कल कट करोगे छोटे तो वो ज़्यादा प्रॉपर एंड अट्रैक्टिव बनेंगे। वैसे ही सी जो हमारा छोटा सा एक टुकड़ा बचा है वाइट का उसमें भी मैं एक वाइट ड्रॉप शेप कट कर लिया एंड ओके देन ओके देखो हमने ये प्लेन पे 10 बनाया है, ठीक है। अगर आपको इतना सब नहीं बनाना है तो आप सिंपल कोई भी एक सीडी जो है सीडी के ऊपर ये नीचे में पीकॉक लगा के ये इस स्टाइल से फेदर्स चिपका के एक हैंगिंग भी बना सकते हो, ठीक है। मैं सारे आइडियाज़ आपको अलग अलग दूंगी तो और आपको मज़ा आएगा। फिर मेरे पास यहाँ पे वाइट पेन है सो मैं आईज़ में थोड़ा सा वाइट कलर फील करूँगी ताकि आईज़ जो है फोन थमना था 5 मिनट। ओके एनी कमेंट्स। ओके देखो अपने आप एक सुंदर इफ़ेक्ट आ जाता है। थोड़ा सा अभी ब्लू को और थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं इसमें वाइट के ही लाइंस डालती हूँ। मेंटेन द नेम ऑफ द पेन पेन
वाइटनिंग पेन बोलता है, अभी वाइटनिंग आता था ट्यूब्स में, आपको पता है, उसी का एक ऑप्शन आया है सी ना। थैंक यू लक्ष्मी जी। ओके थोड़ा सा इस स्टाइल से करेंगे तो एक लुक आएगा। बिकॉज ब्लू इतना डार्क है, हम ऐसे ही लगा देंगे तो उतना अट्रैक्टिव नहीं बनेगा, राइट? सो दैट्स वाई मैंने थोड़े से इसमें पैटर्न्स बना लिए। अभी थोड़ा सा ब्लैक से भी काम करूँगी बिकॉज ये जो कलरफुल पेपर्स है उसमें जब तक आउटलाइन नहीं आएगा वो मज़ा नहीं देगा। से देखो मेरे सर्कल थोड़े से प्रॉपर कट नहीं हुए थे, राइट? सो आउटलाइनिंग आने के बाद में वो एक मज़ा आ जाता है। ओके देन ये जो बीक है इसमें मैं रेड कलर से करके देखती हूँ बट मुझे नहीं लगता कुछ खास। नो वो ब्लैक शो होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ऑरेंज का जो ट्रायंगल है मैं कट करके वहाँ पे लगाऊंगी एंड फिर उसके ऊपर मैं रेड कलर दूंगी। सो मे बी वो बहुत सुंदर इफेक्ट देगा। ओके सो जहाँ पे ब्लूस बैकग्राउंड में दिख रहा है मैं उसे कट कर रही हूँ। वाह एंड हमारा जो आज का थीम है उससे मैच भी करेगा ये। ओके सो आई थिंक मेरा ये भी सूख गया है। वेदर ऐसा है कि एक्रेलिक कलर सूखने में भी टाइम लेता है ना। सो ये हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके उसके पहले हम क्या करेंगे, पॉट को भी हमें ट्राई कलर में थोड़ा सा कलर करना है। तो अगेन मैं स्पॉन्ज में लूंगी ऑरेंज कलर सी एंड ऊपर के साइड में। अभी ये जो है पूरा प्लेन नहीं करना है आपको, अनइवन कहीं पे वाइट रहेगा जस्ट एक टेक्सचर के जैसे लाइक दिस। ओके अदरवाइज नहीं तो वो प्लेन कलरिंग हो जाएगा, वो प्लेन वाला इफेक्ट नहीं देना है हमें। कहीं पे ये ड्राई स्ट्रोक्स एंड कहीं पे ओके। आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो, टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो यही सेम टेक्सचर, या फिर न्यूज़पेपर से भी कर सकते हो। लेकिन न्यूज़पेपर में आपको थोड़ा संभाल के करना पड़ता है, न्यूज़पेपर अगर गीला हो जाता है तो उसका जो कार्बन है ब्लैक कलर है तो वो भी कलर में ऐड होके डल होता है काम, है ना। सो जब भी न्यूज़पेपर से करोगे आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद न्यूज़पेपर चेंज करना है। लेकिन मैं सजेस्ट वही करूँगी, अगर आप प्लेन टिश्यू पेपर से ये करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अब मैं लूंगी ग्रीन कलर एंड देखो बीच में हमें वाइट ही रखना है। ओके सो
एंड ये बहुत सुंदर इफ़ेक्ट देता है एक्चुअली. मैं जब स्कूल में सिखाती हूँ ये चीज़, तो उसमें हम सोप बबल से ये काम करवाते हैं, तो बबल इफेक्ट जो आता है वो भी बहुत सुंदर आता है. जो मैंने पोस्टर डाला है उसमें जो बना है उसमें सोप बबल इफेक्ट है, बट यहाँ पे लाइव में वो करना मुझे मतलब ऐसे लगा कि उतना फाइन आपको समझ में नहीं आएगा काम, सो बेटर है मैंने ये टेक्निक ट्राई की. ओके सो अभी हमें ये हमारा पिकॉक यहाँ पे पेस्ट करना है. थोड़ा इस स्टाइल में भी कर सकते हैं, है ना, थोड़ा ऊपर. एक तो आप फेविकॉल से पेस्ट कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको थोड़ा 3D इफेक्ट देना है तो आप टू वे टेप भी यूज कर सकते हो. थोड़ा सा पीकॉक और भी आप बड़ा करोगे तो चलेगा. कलर्ड पेपर है सारे, एंड कुछ फ्लोरोसेंट कलर्ड पेपर है, टिंटेड पेपर. ठीक है, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, अदरवाइज हमारा इतना सुंदर आर्ट खराब हो जाएगा. ओके सो हमने पीकॉक तो पेस्ट कर दिया है, अभी हमें लगाने हैं फेदर्स. तो फेदर्स कैसे लगाएंगे, सी बहुत ब्यूटीफुल एक लुक आ गया है. एंड मैंने ऐसे रखा है, दैट्स वाई ये अंदर का जो वाइट कलर है दिख रहा है, बट अगर आप देखोगे इस स्टाइल में, ठीक है, तो वो उतना नहीं दिखेगा, सामने से ये ऐसे दिखेगा पॉट. ओके मैं इसलिए बता रही हूँ कि फिर आपको टेंशन हो जाती है कि कैसे करेंगे उसे कवर. एंड अगर आपको लगता है उसे कवर करना है तो यहाँ पे आप ब्रश से ऑरेंज कलर दे सकते हो अंदर. हमने जो अंदर कलर लगाया है अभी भी हमारा ड्राई नहीं हुआ है, फिर भी हम कर सकते हैं काम, नो इश्यूज. ये थोड़ा सूखने देंगे, अभी थोड़ा सा फेदर को डेकोरेट करेंगे. एकदम प्लेन फेदर्स लगाने से अच्छा है कि हल्का सा उसे कुछ हम काम करें. लिक्विड सोप आता है मैम, लिक्विड सोप में आपको एक्रेलिक कलर्स जो है वो ऐड करने होते हैं, एंड उसके बाद में थोड़ा सा वाटर, देन आप उसमें ब्लो करते हैं तो बबल्स आते हैं, एंड उसका प्रिंट आपको लेना है, जो भी जिसमें भी बबल प्रिंट करवाना है उसमें एक हाथ सेशन लेंगे उसमें, बट ऐसे बोल के वो समझने वाला नहीं है, एंड काफ़ी टाइम भी लगता है सूखने में. दैट्स वाई मैंने देखो अभी यही हमारा कलर सूखा नहीं है. ओके एकदम प्लेन रखने से अच्छा मैंने इससे थोड़ा सा पैटर्न बना लिया,
एंड प्लेन रख सकते हैं, नो इश्यूज, बट अभी हमारा कलर सूखा भी नहीं है, दैट्स वाई अभी मैं थोड़ा सा उसे, और हमारे हाथ में टाइम है तो क्यों ना डेकोरेट करें। शालिनी मैंने सिंह मैम, यस शालिनी मैम थैंक यू सो मच, ज़रूर उसे बोलना बना के देखो, बनने के बाद वो और इन्जॉय करेगी, बिकॉज बच्चे वही है कि कोई क्राफ्ट बनाते हैं तो देखने में नहीं, उनको बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। सी हमने सारे इसमें लगा दिए हैं। अभी जबकि हमारा कलर अच्छे से सूखा नहीं है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी टू वे टेप, बिकॉज फेविकॉल से तो फिर वो चिपकेगा नहीं प्रॉपरली एंड आपको इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो ये है हमारा टू वे टेप। ये यहाँ अंदर के साइड में हमें पेस्ट करना है। ओके एंड पेपर निकाल दीजिए। ओके वो क्या एग्जैक्ट आपको जो पीकॉक बना है उसके बैक साइड में लगाना है, देन एग्जैक्ट पीकॉक के पीछे हम चिपकाएंगे वाइट, बिकॉज वाइट मिडल में रहेगा राइट, तो हम लगा रहे हैं वाइट। देखो ये आपके जो फेदर्स है ओवरलैप होंगे, देन मैंने यहाँ पे लगाया ऑरेंज, यहाँ पे लगाया ग्रीन, अगेन लगाया ग्रीन, सो हमारा एक सुंदर आर्ट रेडी हो गया है। अभी मैं उसे तो इसी में आप लाइक ऐसे ब्रशेस रख सकते हो। ओके पेन स्टैंड जैसे इस स्टाइल से यूज कर सकते हो आप। सो कैसे लगा आपको ये क्राफ्ट आशीष? मला कमेंटसाठी लागेल फोन। सी देखो बहुत सुंदर एक हमारा क्राफ्ट रेडी हो गया है। सो कैसे लगा आज का स्पेशल इंडिपेंडेंस डे क्राफ्ट? आप देख सकते हो बहुत सुंदर एक आर्ट बना है। एक्चुअली
एक्चुअली मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ, एक मिनट। हेलो शिल्पा जी, हेलो रूपाली जी, होप सो आप सभी ने बहुत इन्जॉय किया होगा ये सेशन। ज़रूर अपने फ्रेंड्स में एंड बाकी ग्रुप्स में भी शेयर करिए ताकि वो भी लोग ये सेशन इन्जॉय कर सके। काफ़ी किड्स अभी परेशान है कि घर में क्या करेंगे, काफ़ी जगह पे अभी भी लॉकडाउन है, स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो ज़रूर इसी टाइप का कुछ अलग अलग क्राफ्ट वो इन्जॉय कर सकते हैं। जैसे हमने ये फेदर्स बना के पिकॉक का इफेक्ट दिया है, इसी स्टाइल में आप अलग अलग स्टाइल से भी काम कर सकते हो। जैसे हमने आज इंडिपेंडेंस डे है, सो ग्रीन ऑरेंज एंड येलो वाइट यूज़ किया है फेदर्स, आप अलग अलग कलर से भी बहुत सुंदर ये दे सकते हो। इवन अगर आपको क्ले में काम करना है तो यही सेम पिकॉक आप क्ले में बना के भी एक अच्छा इफेक्ट, 3D इफेक्ट दे सकते हैं। हेलो शकुंतला जी, थैंक यू सो मच। प्रेमा जी आपको तो पता है मेरा पैशन ही है आर्ट, तो दिन भर मैं वही करती रहती हूँ। एंड जैसे आपने देखा होगा दिन भर आप भी तो मेरे साथ में ही रहते हो। थैंक यू समीक्षा, मैम कैन ऑल्सो एड ब्लू कलर विद सी, यस समीक्षा आप बिल्कुल ब्लू कलर के भी फेदर्स ऐड कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर ब्यूटी नहीं आएगा इन द सेंस कि कैसे, अगर ब्लू सिर्फ पिकॉक के बॉडी में है राइट, तो वो एक अट्रैक्टिव एक अलग हो जाएगा एंड फेदर्स डिफरेंट है तो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट जो बोलते हैं तो वो इफेक्ट देगा। बट अगर वही ब्लू यहाँ पे आ जाएगा तो वो अलग से उठ के ही नहीं दिखेंगे राइट। एक अगर जैसे आपको डालना ही है ब्लू, तो ऐसे करिए सारे दो दो फेदर्स डाले हैं तो ब्लू कलर का एक ही फेदर डालिए तो भी वो सुंदर दिखेगा। एंड मैंने यहाँ पे 60 फेदर्स डाले, आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। हाय नमिता जी, यस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो आज से मतलब एक्चुअली आज से हमारे मंडाला एंड वारली आर्ट स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन अभी आज पॉसिबल नहीं है। सो वारली एंड मंडाला का बैच जो है कल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो जो भी इंटरेस्टेड है जिन्हें वो ज्वाइन करना है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन हमारा पर्शियन आर्ट का क्लास जो है वो 25th से स्टार्ट हो रहा है, जो भी इंटरेस्टेड है आप मुझे कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन 5th of September से हमारा केरला म्यूरल स्टार्ट हो रहा है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। सी ये है, आप देख सकते हो ये है हमारे राधा कृष्ण केरला म्यूरल, 3x2 का काफ़ी बड़ा पेंटिंग रहेगा एंड पूरा सी मैं कलर ये भी दिखा देती हूँ। सी तो आपको ये पूरा हम जो है PDF सेंड करेंगे एंड ये सेम पेंटिंग हमारा जो है 3x2 में बनेगा। सो जो भी इंटरेस्टेड है आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। देन सभी को पता है, मैं अगेन एक बार बता देती हूँ, अभी जो हमने देखा ये केरला म्यूरल ये स्टार्ट हो रहा है 5th of September। देन हमारा पर्शियन आर्ट, तो पर्शियन आर्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। सी काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है, सेम नहीं रहेगा डिज़ाइन, काफ़ी कुछ चेंजेस रहेंगे। सो जिन्हें भी एनरोल करना है कर सकते हैं। वो हमारा स्टार्ट हो रहा है पर्शियन आर्ट 25th August से, ठीक है। यस संगीत, सो जिन्हें भी ज्वाइन करना है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो भी डिटेल है आपको सेम नंबर पे मिलेंगे 9325405245 जो कि मेरा नंबर है, ठीक है। अदर कोई भी नंबर पे आपको कांटेक्ट नहीं करना है। अगर बाय चांस ये नंबर आपका नहीं लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप सेकेंड नंबर है 7057836267, यही दो हमारे ऑथेंटिक नंबर है जिसमें आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अदर कोई भी नंबर पे आप कॉल नहीं करेंगे, कॉल करना है तो कर सकते हैं बट पेमेंट नहीं करेंगे। ओके थैंक यू सो मच, ऐसे ही मिलते रहेंगे।